जी यार, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ज़्यादा वेट नहीं किया होगा वो लोग के इंतज़ार में। शायद किसी ने इंतज़ार भी ना किया हो, लेकिन फिर भी असल में ऐसा सीन हुआ कि मेरे एग्ज़ाम आ गए थे, तो इस वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया था। तो टाइम थोड़ा नहीं मिला था, और दूसरा मेरा दिल भी नहीं लग रहा था व्लॉग शूट करने का। तो आज बड़ी मुश्किल से खुद को मुतमईन किया है, तो फिर देखें, तो फिर आज व्लॉग शूट कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर अब से डेली व्लॉगिंग ही करेंगे जैसे पहले करते थे। हाँ जी, तो वही एग्ज़ाम्स वगैरह थे, इस वजह से व्लॉग शूट नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर एग्ज़ाम का ये सीन है कि हमारा जो एग्ज़ाम था, तो उनसे 2 दिन पहले हमें बताया गया कि आपका एग्ज़ाम है। तो फिर एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह बहुत ज़्यादा करने लग गए थे, तो इस वजह से एग्ज़ाम में बिजी हो गए थे। तो इनका ये भी सीन नहीं है कि एक एग्ज़ाम आ जाए, दूसरा कल परसों, ऐसा नहीं है। अब हमारा एक एग्ज़ाम परसों हुआ है, तो उसके बाद अब तकरीबन 10-12 दिनों का गैप है, उसके बाद अगला एग्ज़ाम है, फिर ऐसे गैप है थोड़ा। तो ऐसे गैप वाइज इनके एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पर। तो हमारा एग्ज़ाम तो वो वाला अब हमने दे दिया एक, अब दूसरा तकरीबन 10-15 दिन बाद है, अब वो भी देंगे, उसकी इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। इस वजह से थोड़ा, एक तो एग्ज़ाम की वजह से, और दूसरा थोड़ा दिल भी नहीं कर रहा था व्लॉग वगैरह शूट करने का। अब चलें, मुतमईन कर लिया खुद को, अब इंशाल्लाह फिर से व्लॉगिंग करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एग्ज़ाम अच्छा हो गया है। अब अगले एग्ज़ाम की भी तैयारी चल रही है, वो भी इंशाल्लाह उम्मीद अच्छा ही हो जाएगा। और अब इसके साथ साथ व्लॉगिंग भी डेली बेसिस करेंगे, चलें इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आज की डेली रूटीन आपके साथ शेयर करें, तो डेली रूटीन में कुछ था नहीं खास। हमने सुबह उठा, हम क्लासेस लिए हैं, उसके बाद आकर सो गया हूँ थोड़ा बहुत, और सो कर फिर उठा हूँ। फिर मैंने कहा चलो आज व्लॉग शूट करते हैं, तो वही डॉर्मेट्री से बाहर हैं और सामने ग्राउंड में व्लॉग शूट कर रहा हूँ। ये हमारी डॉर्मेट्री है, ये सामने वाली। हाँ जी, ये सामने वाली हमारी डॉर्मेट्री है, इसमें 4th फ्लोर हमारा है। और ये सामने ग्राउंड है जहाँ पर मैं आया हूँ थोड़ा वॉक वगैरह करने, और मैंने कहा थोड़ा व्लॉग शूट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी जगहें हैं, यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है, तो इंशाल्लाह आपको यूनिवर्सिटी का भी एक दिन टूर करवाऊँगा। आप में से किसी ने कमेंट में ये भी कहा था कि अपने डोम का रूम का टूर करवाएं, तो फिर उसका भी इंशाल्लाह टूर करवाऊँगा, और यूनिवर्सिटी का भी एक दिन कराएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ का टूर करवाएंगे आपको। यार बाहर तो वैसे ही घूम रहे हैं, तो चलें आपको थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी जो हमारे इर्द गिर्द का करीब का एरिया वो आपको दिखा देते हैं थोड़ा बहुत। आ जाए, ये हमारी यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है, वो देख रहे हैं, नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका हॉस्पिटल है। लेकिन ये इस्तेमाल में नहीं है, क्योंकि इसका मेन कैंपस जो है वो दूसरी सिटी में है, ये यहाँ पर सिर्फ स्टडी होती है, वहाँ पर हॉस्पिटल परमानेंट वहाँ पर है। और ये है यहाँ का मार्ट, और ये हमारा डोमरा, ये सामने वाला। तो अभी की यही चीज़ें हैं यहाँ पर करीब करीब, बाकी आपको इंशाल्लाह पूरी यूनिवर्सिटी का भी टूर कराएंगे। तो यार ये जो ये ब्लू टेंट लगवाए, यहाँ पर आते हैं पार्सल्स जो हम ऑनलाइन मंगवाएं, मैंने भी मंगवाए थे, मैंने अपनी हैंड फ्री मंगवाई थी यहीं से एयरपोर्ट्स, और मैंने माइक भी मंगवाया था यहीं से, तो यहीं पर ही आते हैं यहाँ। हाँ, ये हॉस्पिटल की दूसरी साइड है, ये एमरजेंसी, ये तो मैंने पहले भी नहीं देखा, आज ही देख रहा हूँ, इधर कभी गए भी नहीं हैं। तो चलें, जब आपको पूरी यूनिवर्सिटी का टूर कराएंगे तब यहाँ भी अंदर जाएंगे, कोशिश करेंगे, वरना कभी गए नहीं अंदर, देखें अंदर क्या होता है। हाँ जी यार, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा रफ़ रफ आपको मैं यूनिवर्सिटी का टूर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी वॉक कर रहा हूँ, तो मैंने कहा आपको यूनिवर्सिटी के साथ साथ टूर करा दें, नहीं तो आपको पूरी यूनिवर्सिटी का मैं टूर बाद में कराऊँगा इंशाल्लाह। किसी दिन जब छुट्टी होगी ना, उस दिन आपको पूरी यूनिवर्सिटी का टूर दूँगा, क्योंकि ये काफ़ी यूनिवर्सिटी बड़ी है, अभी तक मैंने खुद पूरी यूनिवर्सिटी नहीं घूमी। और जब हम लेक्चर देने लेने जाते हैं, तकरीबन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तो हम पैदल चल के जाते हैं, आते हैं, बहुत लंबा सफ़र है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो आपको दिखाऊँगा मैं इंशाल्लाह। ये सारे जो हैं ये चाइनीज़ स्टूडेंट्स के डोम्स हैं, और ये जो दरख्त हैं इसके उस साइड पर हमारी होती हैं क्लासेस, ब्लॉक्स हैं क्लासेस के वो उस साइड पर। और ये यहाँ पे हम अभी वॉक कर रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं डोम की तरफ अपने वॉक, क्योंकि ये बहुत कर लिया है, चलें चलते हैं फिर। तो यार हम डोम अपने आ गए हैं, ये सामने हमारा डोम रहा, तो चलते हैं ज़रा रूम में, थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं, फिर खाने का देखते हैं क्या सीन है। यार तो हम खाना वगैरह खा कर आ गए हैं, तो चले अभी टाइम बहुत हो गया, तो अभी सोते हैं, फिर सुबह क्लास भी है, फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।